हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 एंड क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 43 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ में चैप्टर नंबर 3 का अगर आपको कोई क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो। चैप्टर नंबर 3 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ गिवन अपने पास द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हुआर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स इज एज फॉलोज। किस रेशियो में कर रहे हैं वो? कैपिटल के रेशियो में कर रहे हैं, ठीक है। सो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी है देखो, 25,000, 20,000 एंड 15,000। तो अगर हम इसका रेशियो बनाए तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी यहां से, और 5 से डिवाइड कर लो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 5:4:3। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया? 5:4:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया बिटवीन पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। उसके बाद इस साइड कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है बैलेंस शीट में, यहां पे भी कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है। वाई रिटायर हो गया, वाई रिटायर हो गया यहां से। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन मेड बिफोर द एसर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल टू द पी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या अपने पास, स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इंक्रीज करके कितना करना है 5%, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है 20% से, 750 की हमें आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज क्रिएट करना है। तो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज लाइबिलिटी साइड नहीं है तो ये अनरिकॉर्डेड हो गया, स्टार मार्क कर लेंगे इसके ऊपर। दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी फिक्स एट 16,200 एंड वाई द शेयर ऑफ बी एडजस्टेड इन टू द सेम अकाउंट ऑफ द एक्स एंड जेड, ठीक है। कर लेंगे ये क्वेश्चन, अगर नहीं भी बोलता तो भी करना था भाई। जो वाई की गुडविल का शेयर आएगा वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, एक्स और जेड के अकाउंट में। एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब कि फ्यूचर का जो इनका रेशियो वो क्या हो जाएगा, 1:1। दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स एट 48,000 बिटवीन एक्स एंड जेड इन द इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब एक्स एंड जेड की जो कैपिटल है फ्यूचर में वो कितनी हो जाएगी, 48,000, और किस रेशियो में रहेगी, इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगी। फॉर द पर्पज एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रोट इन और पेड ऑफ, कोई बात नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, रिवाइज बैलेंस शीट, ऑल्सो कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, मतलब सब कुछ ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ जर्नल एंट्री को छोड़ के सब कुछ करना है। करें स्टार्ट। सो सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर ले। सो पार्टनर एक्स एंड जेड का गेनिंग रेशियो क्या आएगा, इनका न्यू रेशियो क्या है, 1:1, 1:2, 1:2 माइनस इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 5:12 एंड 3:12। सो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 12, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 6 - 5, 1:12, और ये आ जाएगा अपने पास 12, ये आ जाएगा फिर 6 - 3, 3:12। सो पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, 1:3 गेनिंग रेशियो आ गया पार्टनर्स का। वाई का कैलकुलेट कर ले शेयर गुडविल में, वाई जो शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा, वाई का जो गुडविल में शेयर आएगा वो आएगा, गुडविल कितनी फिक्स कर ली हमने फर्म के, 16,200 रुपी, मल्टीप्लाई बाई वाई का शेयर कितना है यहाँ पे, 4:12। सो 16,200 का 4:12 कितना आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगी 5,400, कितनी, 5,400। अब ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बिटवीन पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो 1:3। तो एंट्री अगर हम लिखना चाहें तो वैसे पूछा नहीं है, एक्स से कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट है, 5,400, किस रेशियो में बटेगा, 1:3 के गेनिंग रेशियो में, डिवाइडेड बाई 4, अमाउंट आ जाएगी 1,350 एंड 4,050। तो ये अपने पास गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले, ए माइनस एल प्लस, ए प्लस एल माइनस, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टॉक को डेप्रिसिएट करना है 5% से, स्टॉक की वैल्यू 5% हमें क्या करनी है, कम करनी है। स्टॉक की वैल्यू है कितनी, 10,000, 10,000 का कितना कम करना है, 5%, कितना आ जाएगा, 500 टू स्टॉक, ठीक है। 10,000 का कितने परसेंट कम किया हमने, 5% हमने डेप्रिसिएट किया, ठीक है। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना कर देना है, 5%। डेटर्स की अभी वैल्यू कितनी है, 5,000, 5,000 का 5% कितना होगा, 250, कितना होगा, 250।
अभी प्रोविजन कितना है 100 का, तो कितना प्रोविजन बढ़ा हमारे पास यहाँ पे 150 से प्रोविजन बढ़ा, टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो जाएगा 250 हमें क्रिएट करना है, 100 पहले से है तो कितनी वैल्यू बढ़ेगी 150। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिसिएट करना है 20% से, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 25,000 बाई लैंड एंड बिल्डिंग, 25,000 का 20% कितना आ जाएगा अपने पास 5,000, ठीक है ये हो गया। उसके बाद दैट ए प्रोविजन ऑफ 750 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, 750 का हमें क्या करना है एक प्रोविजन क्रिएट करना है, 750 का एक प्रोविजन क्रिएट करना है टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, ठीक है ये हो गया। टोटल कर लेंगे और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे आ रहा है 5,000 तो यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है गेन ही आएगा, टू गेन ट्रांसफर टू, टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या था अपने पास 5:4:3, 5:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो कितना आएगा गेन, पहले ये कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 से माइनस कर लेंगे डेबिट साइड के आइटम 500, 150 एंड 750, तो कितना बैलेंस आएगा अपने पास 3600, ये 3600 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, सो 3600 डिवाइडेड बाई इन सबका टोटल 12, कितनी अमाउंट आ जाएगी 300 मल्टीप्लाई बाई 5, 1500, इसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 1200 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 900, ठीक है ये आ गया अपने पास। सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड का, मतलब ये क्वेश्चन आराम से 10 मिनट में सोल्व हो सकता है, ठीक है कुछ ऐसा खास नहीं है इस क्वेश्चन में, हाँ एक एडजस्टमेंट आएगी वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हमें। तो बैलेंस बीडी कितना है 25, 20 एंड 15, ठीक है। उसके बाद कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लो सीधा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना प्रॉफिट है 1500, 1200 एंड 900, ये हो गया। उसके बाद हम गुडविल के ट्रीटमेंट कर ले, वाई की कैपिटल क्रेडिट करनी है 1350 4050 से, ये किसने दिया एक्स ने बाई एक्स कैपिटल और बाई जेड से कैपिटल, अब इतनी ही अमाउंट इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगी एक्स और जेड के अकाउंट में 1350 और 4050, क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे टू वाई कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, टोटल कर लो। और यहाँ पे क्वेश्चन में ना एडजस्टमेंट गिवन है कि हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो कैपिटल अकाउंट के नीचे स्पेस रखना है, दोबारा हमें करना है फिर टू वाई लोन अकाउंट, वाई के लोन अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी टू बैलेंस सीडी कितना आएगा, ठीक है पहले बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर ले कितना आएगा 25,000 1500 कितना आ जाएगा 26,500, 26,500 से माइनस कर लेंगे हम 1350 कितनी अमाउंट आ जाएगी 25,150, कितनी आ जाएगी 25,150, और ऐसे ही कैलकुलेट कर लो जेड का 15,900, ये टोटल आएगा 15,900 से माइनस कर लेंगे हम 4050 कितना बैलेंस आ जाएगा 11,850 का, ठीक है। अब वाई का कितना बैलेंस आएगा, वाई का टोटल करो 20,000 1200 1350 एंड 4050, ये अमाउंट आ जाएगी 26,600। सो वाई के लोन की कितनी वैल्यू आ गई 26,600, लेकिन हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो ये अमाउंट क्या कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी कर लेंगे 25,150 एंड 11,850। क्वेश्चन में गिवन था कि जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या करनी है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल देनी है, और कितनी अमाउंट डाल देनी है 48,000। सो 48,000 को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ले बिटवीन पार्टनर्स, तो इनकी कैपिटल का बैलेंस कितना रहेगा 24,000 एंड 24,000। इसका वर्किंग नोट करके मत दिखाना, ये तो सिंपल है बिल्कुल ही, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम वर्किंग नोट करेंगे तो बेशक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो और भी अच्छा है, क्योंकि 48,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 24,000 24,000 ही आना है, इसमें कोई वर्किंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बैलेंस हो गया 25,150, तो बैंक अकाउंट लिखेंगे या कैश लिखेंगे वो चेक करते हैं, बैलेंस शीट में बैंक है अपने पास टू बैंक अकाउंट, कितना बैलेंस आएगा 1150, ठीक है। और ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, यहां अपने पास बैलेंस आएगा 24,000 ज्यादा है, यहां पे आ जाएगा बाई बैंक
24,000 से माइनस कर लेंगे, 11850 बैलेंस आ जाएगा 12,150, 12,150। अच्छा ये बैलेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास वो और देख लेते हैं एक बार। अगर हम इनको देखें तो देखो एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 24,000 है कितनी, 25,150 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो ये क्या कर लेगा, 1,150 को विड्रॉ कर लेगा। अच्छा अब जेड, जेड की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 24,000 है कितनी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, 11,850। तो इसे कितनी और अमाउंट लेके आनी पड़ेगी, 12,150। क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन में हम एक बैंक अकाउंट बना ले, क्योंकि क्वेश्चन ने बैंक अकाउंट भी बोला था कि हमें बैंक अकाउंट बनाना है। सो सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। यहाँ पे वाई कुछ अमाउंट, सॉरी जेड कुछ अमाउंट लेके आया 12,150 की, तो यहाँ लिख ले टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 12,150, और एक्स कुछ अमाउंट निकाल के ले गया फर्म से, कितनी अमाउंट निकाल के ले गया, 1,150 की। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। बैंक का एक्चुअल बैलेंस कितना था अपने पास, 11,15,600, यही था ना, 15, हाँ 15,600 ये बैलेंस था अपने पास, 15,600। और टोटल कर लेंगे, बैलेंस लिख लेंगे कितना आया बाय बैलेंस सीडी, बस इतना ही है बैंक के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन ने बोल दिया था बना लिया, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इसकी, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। 26,600 अपने पास बैलेंस आ जाएगा किसका, बैंक का। ठीक है, और टोटल कितना आ रहा है अपने पास, ही 27,750। सो ये बैंक कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, एक बैलेंस शीट और बनानी है। सो बैलेंस शीट कर ले और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा हमें। सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सेम अमाउंट लिख लेंगे 7,000। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है, तो कैपिटल का बैलेंस पार्टनर एक्स एंड जेड, ये तो बहुत ही सिंपल है, 24,000 एंड 24,000, कितनी अमाउंट आ गई, 48,000। उसके बाद अपने पास वाई का लोन था अपने पास, कितनी अमाउंट का लोन था वाई का, ये था 26,600 का, 26,600 का लोन था। उसके बाद चेक करो क्या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, हाँ एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, हमने यहाँ स्टार किया हुआ है आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज के नाम से 750, बस स्टार का यही फायदा है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ठीक है, अब आ जाओ एसेट साइड, सबसे पहले देखेंगे कैसेट बैंक। तो कैसेट बैंक के लिए हमने अकाउंट बना ही लिया था, कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास, 26,600, इसे यहां लिख लेंगे 26,600। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू है 5,000, और हमें इसका प्रोविजन बढ़ा के कितना कर देना है, 250 का 5% हमने क्रिएट किया था, तो कितनी वैल्यू बचेगी डेटर्स की, 4,750। ठीक है, उसके बाद स्टॉक की वैल्यू हमने क्या की थी, 5% डेप्रिसिएट कर दी थी, 10,000 से कितना माइनस कर दिया था हमने, 500, 9,500। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं था, सेम लिख लो 11,500। और उसके बाद अपने पास लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को हमने क्या किया था, एप्रिसिएट किया था 20% से, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग की, 25,000 प्लस इसका 20% 5,000, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 30,000। टोटल कर लो और बैलेंस चेक करो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ये आ जाएगा अपने पास 7,000, 48,000, 26,600 एंड 750। तो लाइबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 82,350 का, यहाँ से माइनस कर लेंगे 26,600, 4,750, 9,500, 11,500 एंड 30,000, सेम आ रहा है अपने पास 82,350 का। सो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 44 का। कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने में, लगभग लगभग 12 से 13 मिनट। ठीक है, मतलब अगर आप ध्यान से करोगे तो आराम से 15 मिनट में सोल्व हो जाएगा, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है करने की तो आराम से 10 मिनट में कर लोगे आप इस क्वेश्चन को। एग्जाम में 6 नंबर का आएगा, आपको करने के लिए 15 मिनट मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, ये 2 से 3 नंबर में आ सकता है। देखो अजय विजय संजय आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:3। क्या रेशियो है, 5:4:3। विजय रिटायर हो गया, यहाँ से विजय रिटायर हो गया, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द रिवेल्यूशन गुडविल एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एटसेट्रा द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड दैट ऑफ संजय 4 लाख। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना है अजय और संजय का, कैपिटल का जो बैलेंस आ रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना है अपने पास, 2 लाख एंड 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ अजय एंड संजय इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आना चाहिए।
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सरप्लस एंड द डेफिसिट। कि नेसेसरी जर्नल एंट्री क्या रहेगी सरप्लस और डेफिसिट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख ले टोटल कैपिटल कितनी आएगी। यहां पे तीन चार लाइन की स्पेस छोड़ना, उसके बाद लिखना टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर विजय रिटायर्स, या फिर इतना ही लिख लो, ये भी बहुत है, 2 लाख प्लस 1 लाख। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो कितनी आ जाएगी, 3 लाख रुपए आ जाएगी। इस 3 लाख के अंदर पार्टनर्स का शेयर कितना आएगा, इस 3 लाख को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में। सो न्यू रेशियो क्या रहेगा पार्टनर्स का, वो रहेगा 5:3। भाई विजय को हटा दो यहां से, तो जो रेशियो बचा 5:3 ही बचा, सो 5:3 हो जाएगा। तो ये पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी अपने पास, अब जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी पार्टनर्स की, या फिर यहां लिख लो न्यू कैपिटल जो पार्टनर्स की आएगी वो कितनी आएगी, 3 लाख का 5/8। अजय का शेयर तो यही आएगा ना, 5 लाख का 5/8। सो 5 लाख डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कितनी अमाउंट आ जाएगी, 312500। एंड यहां पे अब अपने पास संजय का शेयर कितना आ जाएगा, 3 लाख का 3/8, सॉरी 5 लाख नहीं था ना, ये 3 लाख की अमाउंट है, ये तो ये भी गलत लिख दिया, 3 लाख का 5/8, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 8 अमाउंट आ जाएगी 187500, 187500। और संजय का आ जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 8 अमाउंट आ जाएगी 112500, ये अमाउंट आ गई। अच्छा, पार्टनर्स की जो कैपिटल थी वो थी 2 लाख, होनी कितनी चाहिए, अजय की हम पहले बात कर रहे हैं, कितनी होनी चाहिए 187500, मतलब हमें कितनी रिक्वायरमेंट है 187500, उसने दे कितने रखे हमें 2 लाख, तो वो निकाल ले जाएगा, कितने निकाल ले जाएगा यहां से 12,500 वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, अब संजय की बात करते हैं, संजय का अगर हम देखें तो संजय का शेयर कितना है, 1 लाख, होना कितना चाहिए 1,12,500, मतलब 1,12,500 बैलेंस होना चाहिए, है कितना 1 लाख, तो वो कितनी अमाउंट लेके आएगा 12,500, भाई से लानी पड़ेगी 12,500, और अजय विड्रॉ कर लेगा 12,500, भाई इसकी 2 लाख कैपिटल है, करनी कितनी 187 है, तो ये निकाल के ले जाएगा, इसकी कैपिटल है 1 लाख, करनी कितनी है 1,12,500, तो ये अमाउंट लेके आएगा, तो जर्नल एंट्री कर ले अब। सो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, पहले संजय की कर लो या फिर अजय की, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, तो अजय की कर ले, तो अजय की एंट्री आएगी अपने पास, ये अमाउंट क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, मतलब अमाउंट लेके जाएगा। सो एंट्री क्या आएगी अपने पास, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट लेके जा रहा है ये, 12,500 की अमाउंट ये लेके जा रहा है फर्म से, मतलब इसने अपनी कैपिटल कम कर ली 12,500 रुपीज से, अमाउंट विड्रॉन बाई संजय। ठीक है, अपना लिख लेना नरेशन जैसे भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या, संजय ने क्या कर रहे हैं, संजय अमाउंट लेके आ रहे हैं कितनी, 12,500, मतलब कि बैंक इंक्रीज करेगा, हमारे पास पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आता है तो बैंक को डेबिट करते हैं, पैसा दे कौन रहे संजय, संजय की कैपिटल बढ़ रही है, संजय की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, कितनी अमाउंट से, 12,500, यहां लिख लेना अमाउंट ब्रोट इन बाय द पार्टनर संजय। ठीक है, ये आ गया अपने पास। सो एंट्री क्या बनी अपने पास, अजय कैपिटल टू बैंक, एंड सेकंड एंट्री क्या बनी, बैंक टू संजय कैपिटल। क्लियर है, सो ये अपने पास हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 45। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। 1 अप्रैल 2024 को क्या हुआ कि एक्स रिटायर हो गया फर्म से, कौन रिटायर हो गया, एक्स रिटायर हो गया, वाई एंड जेड एग्री दैट द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म शैल बी फिक्स्ड एट 2,10,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इनका 2:1, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ वाई एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड बैलेंस ऑफ 145 एंड 63 रिस्पेक्टिवली, स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश, मतलब वही सेम क्वेश्चन करना जैसे हमने लास्ट में किया। तो सबसे पहले क्या लिखे, पार्टनर वाई एंड जेड कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी है वाई की, 145,000, और जेड की कितनी है, 63,000। ठीक है, अब हम इनकी न्यू कैपिटल लिख लेंगे कि कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पे बैलेंस लिख लेंगे कि कौन सा पार्टनर अमाउंट लेके आया, कौन सा पार्टनर लेके गया। सो इन दोनों का प्लस कर लो। सबसे पहले तो टोटल कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कितनी आएगी, 145 प्लस 63,000, 145,000 प्लस 63,000 टोटल कैपिटल कितनी रहेगी इनकी, 2,08,000। ठीक है, कितना रहेगा, 2,08,000। अब जो ये 2,08,000 की अमाउंट आई है,
इसे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सॉरी यहाँ पे न्यू फिक्स कर दी थी कितनी, 2,10,000। हाँ यहाँ पे पहले से बोल दिया ना क्वेश्चन में कि कितनी कैपिटल फिक्स हो जाएगी इनकी, 2,10,000। तो ये इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया था न्यू कैपिटल भी फिक्स्ड एट 2,10,000, मैं इन दोनों का टोटल कर रहा था, ठीक है। तो कितनी कैपिटल होगी टोटल कैपिटल फर्म की, 2,10,000। इस 2,10,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, इनके न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है, पार्टनर्स का 2:1, ठीक है। तो वाई का शेयर कितना आएगा अपने पास, अब वाई का शेयर आ जाएगा 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, 2/3। सो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, अमाउंट आ जाएगी 1,40,000, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही जेड का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, 2,10,000 मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे, 1/3, तो कितना आ जाएगा ये 70,000। सो न्यू कैपिटल पार्टनर्स की कितनी आ गई, 1,40,000 एंड 70,000 आ गई, ठीक है। अब वाई की कैपिटल कितनी है, 145, फोनी कितनी चाहिए, 140, मतलब ये विड्रॉ कर लेगा, कितनी अमाउंट विड्रॉ कर लेगा, 5,000 की अमाउंट ये विड्रॉ करेगा। भाई होनी 140 चाहिए, है कितनी 145, तो 5,000 ले जाओ अपनी, तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। ऐसे ही जेड का, जेड की कैपिटल अभी कितनी है, 63, होनी कितनी चाहिए न्यू कैपिटल, 70। तो ये अमाउंट लेके आएगा, कितनी अमाउंट लेके आएगा, ये 7,000 की अमाउंट ब्रोट इन करेगा ये, ठीक है। बस यही था। अब क्वेश्चन ने एंट्री पूछी है यहाँ पे, स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रोट इन और टू बी पेड ऑफ टू द पार्टनर्स, बस यही पूछा है इसने क्वेश्चन ने, ठीक है। तो कैसे करें अब इसको फिर, या तो यही छोड़ दो क्योंकि वर्किंग में ही आंसर आ गया, क्योंकि इसने जर्नल एंट्री तो पूछी नहीं है, या फिर आगे एक लाइन लिख लो, ऐसे लिख लो, वाई ब्रॉट इन ना, वाई विड्रो फ्रॉम द फर्म, वाई कितना विड्रो करेगा फर्म से, 5,000, एंड जेड ब्रॉट इन इन टू द फर्म कितना लेके आएगा, ये 7,000। जेड लेके आएगा 7,000 और वाई ले जाएगा कितना, 5,000। यही अपने पास आंसर होना चाहिए। हाँ कैश विड्रॉन बाई द वाई अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ये आंसर अपने पास, क्या आंसर है, वाई लेके आएगा, सॉरी वाई अमाउंट लेके जाएगा 5,000 और जेड अमाउंट लेके आएगा 7,000, बस यही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। जनरल एंट्री नहीं पूछी क्वेश्चन, तो जनरल एंट्री हम पास नहीं कर रहे हैं, अगर आपको करनी है तो फिर इस तरह से कर लेना जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, ठीक है। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर लिया, आंसर तो अपने पास वैसे यही आ गया, ये तो हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सो क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर गिवन है, देखो क्या है, एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 4:3:3 का, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में अपने पास है क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम हो गया कैपिटल्स, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर प्रोविजन कैसेट बैंक। सी रिटायर हो गए यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 को, और ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा 6:4, 6:4 कह लो या फिर 3:2 कह लो, एक ही बात है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू हो रही है 80,000 पे, लैंड एंड बिल्डिंग को अंडर वैल्यू किया हुआ हमने 1 लाख से, स्टॉक को ओवर वैल्यू किया हुआ हमने 20% से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इंक्रीज करके कितना, सॉरी डिक्रीज करके कितना कर देना है, 10,000, ठीक है। कंप्यूटर वैल्यू किया हुआ हमने 30,000 का, और इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर आया अपने पास जो अनरिकॉर्डेड था 30,000 का, वो हमें सी को देना है, एंड द बैलेंस इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। कोई बात नहीं कर लेंगे, हमें क्या क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, कैपिटल अकाउंट करना है, सी का लोन अकाउंट बनाना है, तो ये एक नया कंसेप्ट है, इसे हम समझेंगे आज, ठीक है। और सी को जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है, बैलेंस इन द एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, मतलब जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है हमें, 1 लाख की तो क्या देनी है हमें, इंस्टॉलमेंट देनी है, दे देंगे, साथ में उस इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट भी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करें, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर ले और गुडविल की एंट्री कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट करें क्वेश्चन को, ठीक है। देखो सो गेनिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो क्या आएगा अपने पास, कौन रिटायर हुआ यहां से, सी रिटायर हुआ, तो ए एंड बी, ए एंड बी इनका न्यू रेशियो क्या है, 6:10 एंड 4:10, माइनस कर लेंगे इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 4:10 एंड 3:10, तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा पार्टनर्स का, 2:10 एंड 1:10, मीन्स गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 2:1, ठीक है। अब
गुडविल में शेयर क्या आ जाएगा अपने पास सी का, सी गुडविल कितनी फिक्स कर ली हमने फर्म की, 80,000, कितनी फिक्स कर ली 80,000 में, सी का शेयर कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 3/10, कितना हो जाएगा 3/10, सो 80,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 डायरेक्ट आ जाएगा 24,000। इस 24,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे गेनिंग रेशियो में, सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितनी है 24,000, सो 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 2:1 में, 24,000 डिवाइडेड बाई 3 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 8,000, सो अमाउंट कितनी हो जाएगी 8,000 एंड 16,000, ठीक है, क्या क्या अमाउंट आ गया अपने पास 8,000 एंड 16,000 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर ले, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले, क्योंकि क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो सबसे पहले क्या है, गुडविल की एडजस्टमेंट हो चुकी, ये वाला पोर्शन हो चुका, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख, अंडर वैल्यू का मतलब है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने 1 लाख कम की हुई है, तो 1 लाख से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को हम बढ़ा लेंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टोकेज ओवर वैल्यूड बाई 20%, स्टोक की वैल्यू ओवर वैल्यू है 20%, मतलब बुक्स में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 120% वैल्यू आ रही है, स्टोक की वैल्यू अभी कितनी है एक्चुअल में 240, तो मतलब स्टोक की वैल्यू को हम कम करेंगे, कितना कम करेंगे 240,000 का कैलकुलेट कर लेंगे 20/120, सो कितना आ जाएगा अपने पास 240,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, तो कितनी वैल्यू कम करनी है स्टॉक की हमें 40,000, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 240,000 का 100/120 कैलकुलेट कर लो, तो ये अपनी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आ जाएगी 2 लाख। अब कितनी वैल्यू बढ़ी हुई है 240 है, होनी कितनी चाहिए 2 लाख, तो कितनी वैल्यू बढ़ी हुई है 40,000, तो कितना कम कर लेंगे 40,000, या फिर आप डायरेक्ट करके दिखा सकते हो आप इसको 20/120 से, तो आंसर उससे भी आएगा, ठीक है, कैसे भी कर लो दोनों मेथड सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डिक्रीज करके कितना कर देना है 10,000, है कितना 30,000, तो कितनी वैल्यू कम करनी है हमें 20,000 डिक्रीज करनी है वैल्यू टू प्रोविजन, सॉरी प्रोविजन की वैल्यू कम होगी बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 20,000 वैल्यू कम कर देंगे प्रोविजन की, लाइबिलिटी कम होगी अपने पास, ठीक है। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है 30,000 रुपीज का, बाई कंप्यूटर एसेट बढ़ेगा, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि गेन ही आना है, सो कितना गेन आएगा वो देखते हैं, टोटल कर लो, टोटल आ जाएगा अपने पास 1,50,000, 1,50,000 से माइनस कर लेंगे 40,000, बैलेंस बचेगा 1,10,000, सो गेन आएगा अपने पास टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी, यही नाम थे ना, हाँ यही नाम है, ए बी सी पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है 4:3:3, 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1,10,000 डिवाइडेड बाई 10 11,000, तो कितना आएगा 44,000, 33,000 एंड 33,000, ठीक है, ये आ गया अपने पास गेन पार्टनर्स का किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वेश्चन की जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो हमें सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बना के देना है, करते हैं सी इज कैपिटल अकाउंट, मतलब सबका कैपिटल अकाउंट नहीं करना, सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है 2 लाख, सी के कैपिटल का बैलेंस कितना है 2 लाख रुपए, इसकी कैपिटल का बैलेंस है, ओल्ड आइटम है जनरल रिजर्व है, इसमें इसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे बाय जनरल रिजर्व, 40,000 में कितना शेयर आ जाएगा इसका 3/10, सो कितनी अमाउंट आ जाएगी 12,000 इसका जनरल रिजर्व में शेयर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में कितना शेयर है इसका 33,000 बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, और साथ में ये जा रहा है तो कुछ गुडविल की अमाउंट भी लेके जाएगा ए एंड बी से, बाई एज कैपिटल एंड बाई बीज कैपिटल, कितनी अमाउंट लेके जा रहा था ये 16,000 एंड 8,000, 16,000 एंड 8,000, ठीक है। उसके बाद हमने इसको डिसाइड किया था कि हम इसे कंप्यूटर दे देंगे, क्या दे देंगे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की वैल्यू कितनी थी जो कि अनरिकॉर्डेड था 30,000, जिसको हमने रिवैल्यूएशन में ले जाकर रिकॉर्ड किया था, ठीक है, 30,000 का कंप्यूटर दे देंगे और बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे इसके लोन अकाउंट में, बैलेंस अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसके लोन अकाउंट में, तो कितनी अमाउंट आएगी 2,12,000, 33,000, 16,000 एंड 8,000, अमाउंट आ जाएगी 2,69,000 टोटल आएगा,
269 से माइनस कर लेंगे 30,000, तो कितना बैलेंस बचेगा 2,39,000। ठीक है, क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई, हमने सी का कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, सी का लोन अकाउंट। जब तक कि ये पे ना हो जाए, ये नया कंसेप्ट है, इसे ध्यान से करें, सी इज ए लोन अकाउंट। ठीक है, तो अपने पास कौन कौन से कॉलम चाहिए हमें, सबसे पहले वो सोचते हैं। सबसे पहले आएगा डेट, एक तो कॉलम आएगा डेट का, उसके बाद नेक्स्ट आएगा पर्टिकुलर्स, और उसके बाद एक कॉलम आ जाएगा अपने पास अमाउंट का, उसके बाद अगेन डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ये अपने पास कुछ कॉलम रहेंगे, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहां पे आपको अमाउंट लिखना है, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, अब देखो सी का जो लोन है, सी रिटायर कब हुआ, 1 अप्रैल 2020 को हुआ। सी कब रिटायर हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 को सी रिटायर हुआ, 1/4/2020 को रिटायर हुआ, और इसके लोन की कितनी वैल्यू आई थी निकल के, 2,39,000। 2,39,000 किस अकाउंट से वैल्यू आ रही है, ये इसके कैपिटल अकाउंट से, तो क्या लिखेंगे, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ने बोला कि जो पेमेंट करनी है वो हर साल पेमेंट करना है 1,00,000, इंटरेस्ट का रेट है 10%, 1,00,000 के साथ हमें इंटरेस्ट पे करना है, और इंटरेस्ट का रेट कितना रहेगा, 10%। सो 31 मार्च 2021 को इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपने पास, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, 2,39,000 का 10%, मतलब सीधा सीधा लिख लो 23,900 आएगा इसके इंटरेस्ट की अमाउंट। अब हम पे कर देंगे 31 मार्च 2021 को इसे पे करेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना पे करेंगे, क्वेश्चन ने बोला 1,00,000 की तो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, प्लस में आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो टोटल कितना पे करेंगे, 1,23,900 रुपी, 1,23,900, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो अमाउंट आई ना 1,23,900, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आ रहा है, और क्वेश्चन ने बोला है कि 1,00,000 उसके साथ इंटरेस्ट, तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1,23,900। अब हम इसका बैलेंस कैलकुलेट कर ले, टू बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास, अब टोटल कर लो, बस इसी तरह से हमें ये प्रिपेयर करना है, 2,39,000 प्लस 23,900। अब जब तक फाइनल अमाउंट पे नहीं हो जाती तब तक पे करते रहो, 3 साल में हो जाएगी। सो बैलेंस सीडी आ जाएगा यहाँ पे अपने पास 1,39,000, कैरी डाउन बैलेंस आ गया ये 139। अब ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर चली जाएगी 1 अप्रैल 2021 को बाय बैलेंस बीडी, कितनी अमाउंट हो जाएगी, और ये 1,39,000 अमाउंट हो जाएगी। अब 31 मार्च 2022 को इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे हम, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना इंटरेस्ट आ जाएगा 139,000 के ऊपर 10% का रेट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 13,900 भाई, 10% इंटरेस्ट ही आएगा। उसके बाद 31 मार्च 2022 को हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, कितना पे कर देंगे, 1,00,000, और साथ में इस साल का इंटरेस्ट 13,900 रुपए, तो टोटल कितने पेमेंट करेंगे, 1,13,900 रुपए के हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, बैलेंस कितना आएगा अपने पास, ये बैलेंस आ जाएगा, पहले तो टोटल करके लिखो कितना आ रहा है, उसके बाद बैलेंस देखते हैं, तो ये आएगा 1,39,000 + 13,900 से माइनस कर लेंगे 1,13,900, बैलेंस आ जाएगा 39,000। ठीक है, सो 1 अप्रैल 2022 को क्या बैलेंस हो जाएगा अब अपने पास, बाई बैलेंस बीडी, ब्रोट डाउन बैलेंस कितना आ रहा है अपने पास, 39,000। अब इस साल हम 1,00,000 की पेमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना है उतना तो पे करेंगे 31 मार्च 2023 को बाई इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 10%, 3,900, टोटल कर लो कितना हो जाएगा अपने पास, 42,900 का बैलेंस हो जाएगा। ये जो 42,900 का बैलेंस आ रहा है इसे हम पे कर देंगे 31 मार्च 2023 को टू बैंक अकाउंट करके, भाई हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, 1,00,000 हम पे नहीं कर सकते क्योंकि उसका बैलेंस ही कितना बचा है, 42,900 का बैलेंस बचा है। ठीक है, तो इस तरह से अपने आंसर किया क्वेश्चन नंबर 47 का। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 48 के साथ। थैंक यू।